I have sent it on WhatsApp, sir. In real numbers, I was solving the booklets that we got. Okay, question number 10. What is the problem, beta? What you have to do? Sir, I'm not able to solve it. Okay. You have to take out common 9 to the power n. 9 to the power n, take out the common. Then from first, the numerator is coming as 27. Plus 3 is 30, right? Denominator is coming 9 minus 2 by 3. That's it. Numerator is coming 9 to the power n, jaise common liya na. Numerator is coming 3 into 9, 27, plus 9 upon 3 is 3, that is 30 only, right? And denominator is coming, yes, 3 to the power 2 common liya, 9 to the power n common liya, 9 minus 6 by 9, that's 2 by 3. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, beta. Yes, should I move? Aage badhun? Yaad hoga, yes, last sir. What we did was the quadratic equation. Is pe kafi sari cheeze hum logo ne baat ki thi, right? Pehle to maine iski history batai thi ki what is the history of this quadratic, right? And is history par hum logo ne baat kiya tha kaise kaise improvement hua quadratic ka, and us quadratic par hum logo ne kitne sare fundamentally hum log strong hote gaye, and strong hote hote kahan Babylon se start, jo abhi hame malum hai ki Babylon jab tha us samay start hui thi, and Greek ka kya contribution, India ka kya contribution raha, then jo modern mathematics jo hote hain 1500-1600 mein jo Europe mein start hue, wo Europe mein jab start hue uske baad kya raha. Rene Descartes ke bare mein maine bataya tha. Rene Descartes one of the great philosophers, na bahut bade philosophers mein inko mana jata hai. Philosophers, bahut sare philosophers the jo mathematicians saath mein the, and mathematics mein bhi inki work usi tarah se thi jis tarah se inki philosophy mein thi, right? Quadratic ke help kahan kahan hue hain, to not many things are there, right? Basic quadratic, right? Concept, they have already did the concept, राइट. इसमें हम लोगों ने लास्ट जो किया था उसमें डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने देखा था, राइट. सॉल्व करने के तरीके देखे थे क्वाड्रेटिक को, एंड क्वाड्रेटिक के डिफरेंट वैरायटीज देखे थे कि किस किस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म हो सकते हैं, ए बी सी के डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैसे क्वाड्रेटिक हो सकता है, आइडेंटिटी होगी, एंड जो हम लोगों के पास डी डिस्क्रिमिनेंट होता है उसके लिए हमने वर्क किया था कि एनी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या क्या वर्किंग हमारे हो सकते हैं. डी ग्रेटर देन जीरो के लिए रूट्स रियल, ना डिफरेंट तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का भी तरीका रखा था, स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ग्राफ एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट. एंड इस पर हम लोगों ने बहुत सारे काम किए थे जिसमें ए बी सी की वैल्यूज के लिए ये चार्ट मैंने कहा था एकदम याद रखना, जिसमें ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी जीरो होने का मतलब था, राइट. आइडेंटिटी होना, एंड आगे उस पर बात किया था, राइट. हर एक मेथड आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कब कौन से मेथड आपको यूज करने हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड कि कौन से मेथड मेरे को यूज करने हैं, राइट. स्क्वायर रूट मेथड भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है, दोनों रूट्स की बात हम लोग जब कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, राइट. तो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स की हम लोग जो बात कर रहे थे, अल्फा एंड बीटा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, उसी को दो अलग अलग रूट्स में हमने ये लिख दिया है. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाई डी, डिस्क्रिमिनेंट, राइट. रूट्स जो गिवन है जिसे हम लोग अल्फा एंड बीटा बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये तीन वैल्यूज थी,
जिसको हम लोगों ने वर्क किया था कि ये तीन वैल्यूज हमें याद होने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा माइनस बीटा रूट बी बाई ए इज इन द मॉड, राइट, इसे भी मैं मॉड में रखूँ, राइट, ये तीन वैल्यूज हमारे पास हैं जिस पर हमारी वर्किंग होनी थी, राइट, इक्वेशन एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी जिसके बारे में मैंने पूरी ये कहानी आप लोगों को बताई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सैटिस्फाई बाय एग्जैक्टली टू वैल्यूज, राइट, वही अल्फा एंड बीटा दो आते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए नॉन जीरो मेरे पास है, राइट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है, हमेशा इसके दो रूट्स होंगे, अगर मैं लिखता हूं x माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी यहां पे, राइट डाउन इन चैट, x minus 2 whole square is equal to 0. What is the value of Bhagyasri 2, Adinath 2, Dhruv 2, Bhaumik 4 and minus 4? Kuch bhi likhta hai. Hey, what is this? Aparna 2. Bhaumik, unmute yourself. Yes, sir. What is this 4 and minus 4? Next. Okay. Next question. How you are writing? Dhas chal raha hai. Dhas chal raha hai. Iska link parivartit. X minus 2 whole square is equal to 0 means x minus 2 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0, right? So the value of x will be 2 comma 2. Two values, both are 2 only. Okay? Okay, sir. Dhruv? Aparna, quadratic ka matlab kya raha? Phir kaise distinguish karegi ki x minus 2 is equal to 0 or x minus 2 whole square is equal to 0 mein difference hai, ye kaise distinguish karenge hum? Right? If a is equal to 0, yaad hoga, humne dekha tha one root, right? Aur ek root infinity par hoga, ye bhi hamari baat hui thi, right? Ek root hamare paas yahan par hai aur dusra root hamara infinity par kahin work kar raha hoga. Theek hai? A is equal to B is equal to 0, C is not equal to 0 is no root, and identity ke liye A is equal to B is equal to C is equal to 0 na, iske do nahi infinite roots honge, right, do nahi infinite roots honge, and wo infinite roots ko we can find anywhere, right, sabhi values ko ek saath mein main work kar sakta. Okay, so this you have to remember, right? ये तीन चीजें जो हैं वो remember होनी चाहिए. D के बारे में बात हो रही थी. D हम लोगों ने ये रखा था कि D greater than zero. तो root D is real और real होंगे तो roots हमारे पास दो बात हो सकती है, या तो rational होगा या irrational होगा. ध्यान देना, अब एकदम नई चीज आनी शुरू होगी आपके पास. या तो rational होंगे roots या irrational roots होंगे, right? अगर ए बी सी रैशनल हैं, राइट, इफ ए बी सी आर रैशनल, तो जो रूट्स आपके आ रहे हैं, एक रूट अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है, दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, राइट, अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है, द सेकंड रूट मस्ट बी अल्फा माइनस रूट बीटा. रूट बीटा का मीनिंग याद है ना, सर्ट्स जो होते थे वो सर्ट्स रहेगा हमारे पास, राइट, अगर ए बी सी हमारे रैशनल नंबर है तब के लिए हमारी वर्किंग में ये काम रहेगा, राइट. D इज इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट, कई बार देख चुका हूं. एंड D लेस देन जीरो है तो रूट D इज नॉट रियल, ये इमेजिनरी रूट्स होंगे, राइट. इसमें एक रूट अगर अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा रहेगा कब, व्हेन ए बी सी आर बिलोंग्स टू रियल. अगर ए बी सी रियल नंबर है, एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा. एकदम याद होनी चाहिए ये कंसेप्ट, राइट.
Hopefully everyone is there. Tanisha, it's 2.2, not only 2. ये क्लियर ना सभी को? नोटेड? नोट कर लिया सभी ने? डन? यस सर. मींस इफ वी आर गोइंग फॉर right 2x square minus 6x plus 7 is equal to 0, right? So if this quadratic is given, right, both the roots will be, if one root is alpha plus I beta, other must be alpha minus I beta if d less than 0. See, in this case d is less than 0. यहाँ पर d less than 0 हमारे पास होगा, राइट? एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, कैलकुलेशन बहुत अधिक ना रहे इसके लिए, राइट? सो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, राइट, इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, सी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज माइनस 3, राइट? d इज लेस देन 0, राइट? इन दिस केस d लेस देन 0, राइट? X square minus x plus 1 is equal to 0. Now, if I have to find the root, see, x is equals to minus b plus minus under root 3 minus 3 by 2. So this will be 1 plus minus I root 3 by 2. Means 1 is half plus I root 3 by 2. Second is half minus I root 3 by 2. Right? I'm writing under root of minus 3 as root 3i, right? Under root of minus 3 as root 3i, right? So if this having imaginary root, you can see this, one root is half plus I this and second is half minus I this, right? Half plus I this and half minus I this, right? Next. Okay. Okay, so if I'm writing x square minus 4x plus 5 is equal to 0, right? Find both the roots of this quadratic equation. You have to write down both the roots. Do it fast. See, this is x minus 2, the whole square plus 1 is equal to 0, or x minus 2 whole square is equal to minus 1. I can write this down this as I square. You want to write down this? Yeah. Take a screenshot. Done? Yes, sir. Yep.
then x square minus 4x plus this. So this is x minus 2 whole square is equal to I square, or we can write x minus 2 is equal to plus or minus I. So x is equal to 2 plus I, or x is equal to 2 minus I. Is it okay? Right? Means if one root is a plus ib, other root b a minus ib. Means what is the meaning of this? If x is equal to 3 plus 2i, right? X is equal to 3 plus 2i. In the quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0 if a, b, c are real, right? A, b, c are real. Find other root and also the quadratic equation. Find other root and also find quadratic equation. Very good. And also find quadratic equation whose roots are 3 plus 2i and the other one. Okay, so if one root is this, then other root will be 3 minus 2i, right? So how you can find the equation? The first method, we know that sum of the root is alpha plus beta is 6. Product of the root is alpha into beta, 9 plus 4 is 13. And we know that the equation is x square minus sum of the roots into x plus product of the root is equal to 0. So we can write this as sum of the root as 6x square minus 6x plus 13 is equal to 0. Second method, method 2, x is equal to 3 plus 2i. So we can rewrite this as x minus 3 is equal to 2i, squaring both sides. X square minus 6x plus 9 is equals to 4 with minus sign. So x square minus 6x plus 13 is equal to 0. Dono method aapke paas hai, ya to sum of the root se aap nikale, ya seedha ka seedha yahan se jis tarah se aapki working chahe aap nikal sakte ho. Okay, right, next, means in quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, a, b, c belongs to a rational number, right? A, b, c belongs to rational number, and d is not a perfect square, right? Then one root will be alpha plus root beta, other will be alpha minus root beta. Ye concept humne dekha, right?
एक ये कंसेप्ट हमारे पास आया ना, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहा जिसको आपको एकदम जानने चाहिए, राइट, बहुत यूजफुल होगा। एंड यहीं पर हमने सेकंड कंसेप्ट क्या देखा कि इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ d less than 0, then if one root is alpha plus I beta, second root will be alpha minus I beta, right? ये हमारे लिए second important concept जो है, okay, this is the second important concept. Okay to everyone? Yes sir. Right, दोनों important concept हैं और दोनों एकदम याद होने चाहिए, बहुत जगह पर हम लोगों को use करने होंगे, right? To be careful with this, right? Roots के बारे में information. Next. So now. x is equal to 2 plus I, find value of x cube plus 3x square minus 6x plus 1. x is equal to 2 plus I, find value of x cube plus 3x square minus 6x plus 1. Do it fast. आदिनाथ वेरी गुड, आदि अपना वेरी गुड, आदि आदि के तीन चार आंसर आ गए। आदि क्या कर रहा है, इतने इतने आंसर? सर वो गलती से डबल डबल भेज दिया। अभी करता हूँ। सी
x is equal to, this is given, right? So x minus 2 is equal to I, right? Squaring both sides. X minus 2 whole square is equal to I square, right? So this will be x square minus 4x plus 4 is equal to minus 1, or x square minus 4x plus 5 is equal to 0, right? So x square minus 4x plus 5 is equal to 0, and the question was given, right? X cube plus 3x square minus 6x plus 1, right? Divided by x square minus 4x plus 5. When we divide this, right? X cube minus 4x square plus 5x. Minus plus minus. Cancel out. 7x square minus 11x plus 1. Plus 7, मैंने कर दिया तो 7x square minus 28x plus 35. Minus plus minus. Now this is cancelling, right? 17x minus 34, right? 17 is coming from this x minus 2. And x was nothing but 2 plus I, right? X was 2 plus I, 17, 2 plus I minus 2, 2 to cancel out, this is 79. Kitna simple solve karne ke baad, you can see this. Ye jaan mujhke maine usse quadratic form kiya, and quadratic form karne ke baad, jo division you know, maine divide kar liya. Is it okay? It's okay everyone? सर मैंने ऐसे किया कि पहले तो मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग का x square minus 4x plus 5 वहां तक मैं गया, उसके बाद मैंने ऐसे किया कि उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो बाकी के जो स्क्वायर के बाद की टर्म थी तो वो minus 14 आ गई, तो x cube minus 14 आया, मैं उसको सॉल्व करने चला गया, फिर अटक गया और गलत हो गया. समझ आया ना कैसे सॉल्व करने हैं? यस सर. राइट राइट डाउन x is equal to 1 plus 2i, find value of x to the power 4 plus x cube minus x square plus 3x plus 7. Do it fast, everyone. Different answers are coming.
See, this is x minus 1 whole square is equal to 4 with minus sign. So x square minus 2x plus 5 is equal to 0. Okay. X square minus 2x plus 5 is equal to 0. Now, given is x to the power 4 plus x cube minus x square plus 3x plus 7 divided by x square minus 2x plus 5. X square, x to the power 4 minus 2x cube plus 5x square, right? Minus plus minus. Cancel 3x cube minus 6x square plus 3x plus 3. X 3x cube minus 6x square plus 15x. Right? Minus plus minus. Cancel. Cancel. Minus 12x plus 7. Right? Minus 12x is 1 plus 2i plus 7. Minus 12 minus 24i plus 7. Minus 5 minus 24i, something like this. Because this is 0, right? So 0 into this number will be 0 only, right? Okay. Everyone, clear with this? Ek aur question. Is bar koi gadbad nahi. Sabhi ke sahi honi chahiye, right? No calculation mistake. Now, careful. Next question. X is equals to 4 plus 2i. Find value of x cubed minus 7x square plus 12x plus 25. Find this. Do it fast, everyone. So is it x cube minus 7x square? X cube minus 7x square plus 12x plus 25.
Atharva, very good. Dhruv, very good. Swara, very good. Adi, very good. Very good, very good. Yuraj, very good. Vomik, try karo. Aparna, abhi tak answer nahi aaya. Bhagyasri, Devansu, itna late kyun? Isan, Manthan, Sangmitra. Yuraj. अरे अपर्णा तो सबसे पहले भेजी थी. सही, very good. See. Now, this is x minus 4. The whole square is equal to minus 2i square is nothing but minus 4. Right? Start करता हूँ मैं. Right, so this is x square minus 8x plus 16 plus 4 is equal to 0, means x square minus 8x plus 20 is equal to 0. Right. Now, the question is x cube minus 7x square plus 12x plus 25. And we have to divide this by x square minus 8x plus 20. Right, first it will go with x times, right, x times it is x cube minus 8x square plus 20x, right, minus plus minus, cancelling, x square minus 8x plus 25 plus 1. X square minus 8x plus 20 minus plus minus. Both this and this we can cancel. Only 5 is there. Means this number into this number x plus 1 plus 5 is this number. Right? So obviously, this is 0, so 0 into x plus 1 will be 0, so the answer will be 5 only. Very good, everyone, very good, very good. Is it okay, Yuraj? Okay. Vamik, okay. Ye hona chahiye tha question, ek aur question, isi par base. Right, x is equals to 1 plus root 2, find value of x to the power 4 minus x cube minus 2x square minus 3x plus 1.
डन. सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वे. यू कैन सी दिस इज x माइनस वन इज इक्वल टू रूट टू. तो x माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू. तो दिस इज x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू. और दिस इज x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. राइट. सो x टू द पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन. We have to divide this by x square minus 2x minus 1. So we have to keep this in mind. If first is x square to x to the power 4 minus 2x cube minus x square minus plus plus. So this cancel it out both and you are getting x cube minus x square minus 3x, right? Again, I'm going with plus x. X cube minus 2x square minus x minus plus plus, cancelling x square minus 2x, right? And this is plus 1. So this 1, x square minus 2x minus 1. So again, canceling this, and this is 2. So this into this plus 2 is 0, but this is 0. So answer you are getting as Yuvraj, Parna, Sangmitra, very good. Saurabh, very good. Bhagyasri, very good. Vomik, yes. What, yes? Answer, leak answer. राइट. ये डिफरेंट वैरायटी जो होते हैं क्वेश्चंस के, उनके लिए वर्किंग कैसे होती है वो दिखाया. वो इरेशनल रैशनल भी हो सकते थे और मे बी इट वुड बी इमेजिनरी. राइट. नाउ रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स. Roots and coefficient, right? दोनों हम लोगों को दोनों के बीच के जो relation establish करने हैं उनकी बात करेंगे आज. Right? Conditions in a given conditions, right? Quantity given है ax square plus bx plus c is equal to zero, right? One root is alpha, other root is minus alpha. Right, one root is alpha, other root is minus alpha. If it is given, if both the roots जो given होता है, एक root मैंने alpha दे दिया, दूसरा root मैंने minus alpha दे दिया, इसे बोलने का ये भी तरीका रहेगा कि both the roots are same in magnitude but opposite in sign. साइन ये भी बोल सकता हूँ. एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है. राइट. सो दोनों हमारे पास केसेस हो सकते हैं. उन दोनों केसेस को हमें वर्क करना पड़ेगा. राइट. माइनस एंड प्लस के लिए. राइट. सो अब यहाँ के लिए अगर मैं केस निकालना चाहता हूँ तो व्हाट वी कैन डू. सी सम ऑफ द रूट इज जीरो एंड सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई ए दैट इज जीरो मीन्स बी इज इक्वल टू जीरो. बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी. देन यू कैन से कि एक रूट अल्फा है दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा. राइट. सो इफ इट इज गिवन कि वन रूट इज बोथ द रूट्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन देन डायरेक्टली यू कैन से कि बी मस्ट बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो मीन्स x square minus k minus 1 into x plus minus 4 is equal to 0. If both the roots are same in magnitude
but opposite in sign, right? Find value of k. Very good. Very good. Only the coefficient of x would be 0 and coefficient of x is k minus 1. So k minus 1 is equal to 0. Right? First concept. Okay. Okay. Good, 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 good. Second. Both the roots are reciprocal to each other. Right? Means one root is alpha, other is 1 by alpha. Right? One root is alpha, other is 1 by alpha. Then what you can say? Product for any equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Product alpha, 1 by alpha is equal to c by a. Alpha cancel hua, c is equal to a. Means, right, c is equal to a means x square plus 5x plus k is equal to k square is equal to 0. For what value of k, both the roots are reciprocal to each other. Both the roots are reciprocal to each other. Value of k. You have to find value of k. Value of k. In this question, we know that coefficient of x square is 1 and constant is k square. So we can write k square is equal to 1, or value of k is plus or minus 1. Right? The second of this. Right? Third case. Right? Third case. One root is alpha, other is alpha square. One root is square of other. Right? One root is square of other. Ek root dusre ka square ho jaye. Yahan se thoda sa important ho jayega. And working bhi thodi si adhik ho jayegi. Right? Alpha plus sum of the root minus b by a. Alpha into beta. Beta is, in this case, beta is अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए. ये दो है. अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी बाई ए. राइट? एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. राइट? अब इन दोनों से मेरे को रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं. अल्फा को एलिमिनेट करना है. कई तरीके हो सकते हैं. यू कैन क्यूब बोथ साइड. ये भी कर सकते हो. या फिर ध्यान देना एक बात का, या फिर जो पढ़ा हुआ है, जो वट वी हैव स्टडीड, राइट, वी कैन यूज दिस alpha plus alpha square plus b by a is equal to 0, then alpha cube plus alpha square ka cube plus b by a ka cube. If a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Right? So alpha cube is c by a plus c square by a square plus b cube by a cube is equal to 3c by a. Right? So multiply by a cube. Right? So we are getting c a square plus c square a plus b cube is equal to 3abc. Right? This is an important thing. Right? Do it. Note down, please. One root is alpha, other root is alpha square.
डन एवरीवन. ओके राइट, ये बहुत अच्छे कंसेप्ट राइट. वी कैन यूज द कंसेप्ट राइट. नाउ फाइंड कंडीशन ऑन ए बी सी इफ वन रूट इज अल्फा अदर इज अल्फा टू द पावर एन राइट. आप लोग ट्राई करना चाहोगे एक क्वेश्चन मैं दूं? यू वांट टू ट्राई? यस सर. अभी देता हूं. सी फाइंड कंडीशन ऑन ए बी एंड सी इफ वन रूट इज अल्फा अदर रूट इज अल्फा टू द पावर एन. डू इट फास्ट. Take your time. 3 minutes का time आपके पास.
See what is given. Alpha plus alpha to the power n is equal to minus b by a. Alpha into alpha to the power n is c by a. Right? These two conditions, the basic condition, yahi do condition par kaam karne. Right? See, from second, ye jo second given hai mere paas, from second, what we can say, right, ki this alpha to the power n plus 1 is equal to c by a, or alpha is equal to c by a to the power 1 by n plus 1. Right? Put the value of alpha in first equation. Right? First equation pe maine alpha ki values rakh dali. Right? So what is this now? C by a to the power 1 by n plus 1 plus c by a to the power n by n plus 1 is minus b by a. Right? Multiplying this by a, what I'm getting? A c by a to the power 1 by n plus 1 plus a into c by a n by n plus 1 plus b is equal to 0. Or we can rewrite this as ye jo a aur ye a hai dono ki alag alag property hai. Kaise ye a ko jab andar main le jaunga to this kyunki power of this c by a is 1 by n plus 1, when a is going in, right, so this will be a to the power n plus 1. So what I'm getting, a to the power n plus 1 c by a, right, to the power 1 by n plus 1. Similarly, if I'll give the power of n to both, then a to the power n plus 1 c by a to the power n whole to the power 1 by n plus 1 plus b is equal to 0. Cancelling, right, and writing the answer, right, cancel karun and answer likhu, right, a to the power n c 1 by n plus 1 plus a c to the power n 1 by n plus 1 plus b is equal to 0. This is the condition when one root is alpha, other is alpha to the power n. One root is alpha, other is okay, this ek saath nahi dekh lo, aisa kar deta hu. Done. Okay. Note कर लिए. Everyone? Yes, sir. Now, next is, right? लेकिन अब इन पर based questions होंगे ना, question अलग से, but now in quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0, right? Find condition when ratio of this is given, right? The ratio of the root is given as
some value k, k is known value 2 by 3, 3 by 4, 5 by 5, कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकता हूँ एक रूट अल्फा है दूसरा रूट k अल्फा हो गया, राइट, वन रूट इज अल्फा एंड अदर रूट इज k अल्फा, राइट, या ऐसा करता हूँ k के जगह पर मैं n रख देता हूँ, राइट, वन रूट इज अल्फा अदर रूट इज n अल्फा, राइट, अगर ये कंडीशन हो जाए देन right alpha is equal to one root is beta other root is n beta then you have to find condition matlab ek root isi ko question ko solve karte hain one root is alpha other root is n alpha then find condition main try karu ya aap try karna chahoge you want to try yes I'm not try 3 minutes See, in this case, one root is alpha, other root is, right, n alpha. So sum of the root is alpha plus n alpha is minus b by a, and product is alpha into n alpha is equal to c by a. So n alpha square c by a, right, and this is first one. From first one, if I'll take common alpha, so what I'm getting is alpha 1 plus n is equal to minus b by a, squaring both side, right? I'm getting alpha square 1 plus n the whole square is equal to b square by a square, right? Put the value of alpha square from second, right? This is c by a into 1 by n, n plus 1 ka whole square by b square by a square. A will be cancelled out with this. So what I'm getting?
एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एन प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट? दिस इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग. Is it okay, everyone? Is it okay, everyone? Write down. नोट नहीं किया क्या? ये नोट कर लो जल्दी से. डू इट फास्ट, डू इट फास्ट. Question is this one. First question on this. दो क्वेश्चन, वेरी गुड भाग्यश्री. अपर्णा वेरी गुड.
वेरी गुड युवराज, फर्स्ट का आंसर चेक कर लो एक बार, मैं अभी तुरंत बताता हूँ, 3 मिनट फॉर यू, 3 मिनट और समय दे रहा हूँ, फिर मैं करता हूँ। एवरी टाइम यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स, राइट? बेसिक्स से ही स्टार्ट करके वहाँ तक पहुँचने हैं। जैसे इन द फर्स्ट वन इट्स गिवन अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू 2, राइट? ए बी सी ऑल द 3 वैल्यूज आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड के, राइट? सो हाउ वी कैन गो फॉर दिस, राइट? या मेरे पास ये फॉर्मूला है, मे बी अगर फॉर्मूला आपको याद हो, इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी, एन की जगह पर वैल्यू है 2, राइट? B is nothing but -3, right, is equals to, A is 2, right, C is K, N is 2, plus 1, 3 square, right? So directly you are getting K is equals to 1. Very good, very good, very good. Very good, no? Second one, right? Second one is little bit tricky, right? यहाँ पर equation quadratic अभी नहीं है, अभी दिखाई नहीं दे रही है वो quadratic, right? So you have to make this quadratic. अब इसे अगर quadratic मेरे को बनाना है, so what I'm doing, मैं cross multiply किया a, x plus b plus k, right? Plus b x plus a plus k, right, is equals to x plus a plus k x plus b plus k, right? कि ये दोनों k को मैं right, now see the coefficient of x, दोनों तरफ अगर मैं देखूं, right, what coefficient of x is coming from left side, this side पे जो coefficient of x मेरे पास आ रहे हैं, this is nothing but a plus b, right, coefficient of x को ही जीरो करना है, right, minus from right side, what coefficient of x we are getting, right, from right side what we are getting is a, right, x into b plus k plus a plus k, right, is equal to 0, means k is equal to 0.
not to solve completely, only required coefficient of x, so only concentrate on coefficient of x, right? उसके अलावा और मुझे ध्यान वहां पर नहीं रखने, right? अपने आप जो भी चाहिए वो आ जाएंगे, right? Done everyone? This is full beta, ये fully दिख रहा है तेरे को। ऊपर question लिखा है उसके बाद solve करने में इतनी ही अपने को solve करने, इतना काफी है solve करना, यही है बस इतना। Only for coefficient of x. Okay, next is right. Alpha minus beta mod is equal to 1, right? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है 1, तो वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा इज नथिंग बट रूट डी बाई ए इज इन द मॉड इज इक्वल टू 1, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का मॉड का अपॉन ए इज इक्वल टू 1 इज इन द मॉड, राइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ये कंडीशन आपके पास if difference of the root is 1, right? Difference of the root is 1. Okay. Okay. मैं आगे बढ़ सकता हूं। सी, अब इन्हीं में जो हम लोगों ने अभी तक देखा इसमें दो अलग अलग मैं पॉलिटिक ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये दो पॉलिटिक है, राइट, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, इसके रूट हैं अल्फा प्लस के एंड बीटा माइनस के, राइट, मैंने एक कंडीशन लिया व्हेन आई एम सेइंग कि दिस हैविंग द रूट अल्फा प्लस बीटा बट दिस हैविंग द रूट्स अल्फा प्लस के एंड बीटा माइनस के, राइट, तब क्या रिलेशन मैं एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, राइट, तो द फर्स्ट वन, दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट, अब ध्यान देखना कि हमने दो क्वाड्रेटिक की बात की है, ये है मेरा क्वाड्रेटिक 1, ये है मेरा क्वाड्रेटिक 2, ये दो क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, दो अलग अलग क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा एंड सेकंड क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा प्लस के एंड बीटा माइनस के, राइट, अब मुझे स्मॉल ए बी सी एंड कैपिटल ए बी सी में रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं, सो मुझे के को एलिमिनेट करना पड़ेगा, दोनों तरफ के एलिमिनेट करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट साइड को, राइट साइड को लिखूंगा अल्फा प्लस के प्लस बीटा माइनस के, द सेम थिंग विल बी देयर अल्फा प्लस बीटा, राइट, फ्रॉम फर्स्ट सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई ए, फ्रॉम सेकेंड सम ऑफ द रूट, क्योंकि ये दोनों उसके रूट्स हैं, इट्स माइनस बी बाई ए, माइनस कैंसल आउट, बी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई ए, दिस इज द आंसर, इज इट ओके, नोट डाउन प्लीज, first question, one root is one quadratic equation having roots alpha and beta and second is alpha plus k and beta minus k.
Is it okay, everyone? Okay, then the next concept, the second one, right? What second one you are getting? मैं इसमें दिया अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अल्फा प्लस के एंड बीटा प्लस के रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. राइट, नाउ फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल ए बी सी एंड कैपिटल ए बी सी. आप लोग ट्राई करोगे इसे क्या? वॉन्ट टू ट्राई दिस? मैं कर दूं? यू हैव टू एलिमिनेट के अगेन. राइट, के को एलिमिनेट करने के लिए एंड दोनों ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए कि मैं दोनों तरफ से यूज कर पाऊं अल्फा बीटा को. सो इन दिस केस व्हाट आई कैन से, राइट सर, माइनस डिफरेंस ले लो तो हो जाएगा. वेरी गुड, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस के माइनस बीटा प्लस के बोथ आर सेम अल्फा माइनस बीटा अगर मैंने दोनों पर मॉड लगा दिए. राइट, डिफरेंस ऑफ द रूट विल बी सेम फ्रॉम बोथ साइड. इट्स रूट डी बाई ए, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए. Is it okay? Right? Right, third case. If first having the roots alpha and beta, and second having the roots k alpha k beta. Right, k k maine laga diya, k alpha and k beta. Try this, kaise isko use karu? वही इक्वेशन है स्मॉल ए बी सी एंड कैपिटल ए बी सी.
वेरी गुड वेरी गुड. वो बोथ साइड वी कैन कैंसिल आउट विथ अल्फा बाई बीटा, के अल्फा बाई के बीटा, राइट? तो बोथ विल बी सेम, राइट? अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा, बट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा, सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा, राइट? बट वट वी कैन डू, we can use componendo and dividendo or dividendo and componendo. So alpha minus beta upon alpha plus beta is equals to k times alpha minus beta upon k times alpha plus beta, right? Alpha minus beta is root d by a, means b square minus 4ac can root by a upon minus b by a, right? Similarly, right side, it's coming d square minus 4ac under root upon minus b, squaring both side, 1 minus 4ac by b square, 1 minus 4ac by b square, 1, 1 cancel out, minus minus cancel out, 4, 4 cancel out, ac by b square is equal to ac by b square. This is the result what you require. Is it okay? And बहुत सारे varieties हो सकते हैं solve करने के, जो तरीके होंगे बहुत different तरीके से हो सकते हैं, right? Okay everyone, right? Okay, see next concept on this. Two quadratics are given, ax square plus bx plus c is equal to 0 and ax square plus bx plus capital C is equal to 0. Let discriminant of first one is d1 and discriminant of second one is d2, right? Kuch question main aapko de raha hu, if d1 into d2 greater than equal to 0, right? Roots ke bare mein aapko batana hai ki minimum real roots, मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने रियल रूट्स हो सकते हैं इफ d1 into d2 greater than equal to 0 given है, second d1 into d2 less than equal to 0 given है, third d1 into d2 is equal to 0, right? ये तीन केस मैंने आपको दिए हैं, इस पे आपको बताने हैं d1 d2, right? d1 d2 are the roots of the quadratic equation that's given as ax square plus bx plus c is small and capital, right? So now we have to predict that how many real roots are possible, right? How many real roots are possible if in the first case d1 into d2 greater than equal to 0, minimum number of real roots and maximum number of real roots. Three questions are there. Think on this, then I'll just discuss this, okay, how to solve and how to think or how to crack these type of question, right? Take your time.
वेरी गुड अपर्णा. D1 into D2 greater than equal to 0, right? Discuss the first case. केवल मैं first case करता हूँ, फिर आप time लेना, फिर एक बार देखना, then again come back to this, right? D1 into D2 greater than equals to 0, right? D1 into D2 greater than equals to 0 means product is positive. How this product will be positive? Case first, D1 and D2 both are less than 0. Or equal to 0 bhi ho sakte, but both would be less than 0, right? If both are coming as less than 0, agar D1 bhi less than 0 main bol raha hoon, D2 is again less than 0, means first k no real roots, so minimum real roots will be 0, right? Case 2. We are going to case 2, right? Both are positive, so D1 greater than 0 or D2 greater than 0. Equal to 0 पर भी the same thing you are getting, right? तो maximum किसी quadratic के maximum root would be only, right? Maximum roots are 2 only, ना? 2 से ऊपर तो roots होने नहीं है, right? Maximum roots जो मेरे पास जाएंगे वो इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, right? Right, तो both sir yes sir आपकी मतलब screen pause हो गया, कुछ आ नहीं रहा है. आएगा बेटा, अभी आ जाएगा. आ गया? हाँ सर, अब आ गया. वो hang हो जाता है, उसमें रोक के फिर से करना होता है, right? तो like first case no real root and second case all real roots, so minimum is 0, maximum for first case, first का answer minimum 0, maximum 4, right? समझ में आ गया है सभी को? गो फॉर सेकंड एंड थर्ड, राइट? सेकंड एंड थर्ड, मैं सेकंड में थोड़ा सा एक चेंज कर देता हूं, मैंने इक्वलिटी को हटा दिया है, राइट? केवल मैंने लेस देन जीरो कर दिया इस बार, राइट? थिंक ऑन दिस सेकंड एंड थर्ड. Very good, very good. For second one, right, you have to see second and third. Done, everyone? Done. Fast, do it fast.
d1 and to d2 less than 0. If you are saying d1 and d2, d1 into d2 less than 0, right? So if d1 into d2 less than 0, right? Then how it's possible to compare the things, right? Kaise compare kar sakta hoon and kaise working ho sakti hai, ye dekhte hain, right? d1 into d2 less than 0. Less than 0 means one is positive, one is negative. Ek positive hoga, तो दूसरा मेरा नेगेटिव होगा, राइट? वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव, राइट? सो वन पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, राइट? सो मिनिमम बोलूं या मैक्सिमम बोलूं, दोनों में ही एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सो ऑब्वियसली टू रियल एंड टू इमेजिनरी रूट्स, राइट? एवरीवन see my writing? You are able to see this? Right, third case, d1 into d2 equal to 0, right? How it's possible equal to 0? So maybe d1 greater than 0 and d2 is equal to 0. Maybe d1 less than 0, d2 equal to 0. Right, one number, one discriminant is equals to 0 and second will be greater than, maybe greater than 0, maybe less than 0. But if we are saying ki d1 or d2 equals to 0, this equality sign holds for, right, repeated roots, and if greater than 0, so real roots, and for the case when we are saying less than 0, so imaginary roots, but this will be same. D1 or d2 is equal to 0 means two roots minimum, and maximum 4 roots. How many of you got all correct? Adinath, first aaj jab shuruaat hui thi tabhi maine bataya tha x minus 2 whole square is equal to 0. So what is the value of x? Not 2, it's 2, 2. Do values tune aise karke likh ke bhi mere ko dikhaya tha curly bracket. 2, 2 तो दो वैल्यूज होते हैं ना, तो 1 क्यों बोल रहा है उसे? क्लियर? ओके, राइट? सो इफ आई एम राइटिंग d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर फोर्थ केस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डू 1 less than equal to 0. What is the minimum and maximum number of roots of this equation? Minimum and maximum number of roots of this equation. d1 square plus d2 square less than equal to 0. Obviously, we know that 2 square quantity will never be negative, right?
two positive quantity less than zero is not possible, means d1 is equal to d2 is equal to zero is the only case when we can say this will satisfy. So d1 is equal to d2 is equal to zero, right? D1 and d2 both will be zero. So two real roots for this and two real roots for this, right? So all the different cases are there, but you have to be careful, right? Bahut sare different cases hain. एंड इन पर वर्किंग में क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से फ्रेम हो सकते हैं. यू हैव टू बी केयरफुल. ओके एवरीवन, राइट? चलो, अब जितना आज मैंने करवाया उस पर बेस थोड़े से क्वेश्चंस आपको देता हूं. एक क्वेश्चन बनता है, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो be equal to that of x square plus p1x plus q1 is equal to 0, then prove that p square q1 is equal to p1 square q. Right? Do it fast. Sir, excuse me, sir. Sir, yes. Sir, this to prove, then prove that p square q 1 is equal to p square 1 q. What is this one? Sir, what is after the equal to? Even square q. Even square q. Okay, sir. Thank you.
डन, सिंपल है, होना चाहिए, ट्राई इट. द रेशियो ऑफ द रूट्स, राइट, रेशियो ऑफ द रूट्स अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू दोनों के अल्फा बाई बीटा, के अल्फा बाई के बीटा जो गिवन था वो वाले. ये तो अल्फा और एन अल्फा लगा दिया अपना. क्या कंडीशन हमने लाया था एक बार इसे देखो. रेशियो ऑफ द रूट्स के लिए हम लोगों ने जो आज स्टडी की थी वो क्या था, दिस वाज ए सी बाई बी स्क्वायर, ए सी बाई बी स्क्वायर, राइट, ए सी बाई बी स्क्वायर, ए सी बाई बी स्क्वायर, राइट, ए सी बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई बी स्क्वायर, राइट. यही दोनों. What is A and C? This is 1 into Q by P square is equal to 1 into Q1 by P1 square. I guess दूसरे step में आपका answer आ गया P1 square, P square, Q1 is equal to P1 square Q. यही आपको prove करना था. एक बार में आपको आएगा. Second thought की बात नहीं है यहाँ तो. बहुत सारे इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. यू हैव टू बी केयरफुल, राइट. नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन, फास्ट, डू इट फास्ट. डन सर. यस, नोटेड. यस सर. या सो द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड यू हैव टू बी केयरफुल विद द रूट्स, राइट. बहुत सारे इसके क्वेश्चंस जो होंगे यू कैन डू दैट, राइट, ध्यान से ना. द इक्वेशन हुज रूट्स आर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वन रूट इज अल्फा, अदर इज अल्फा स्क्वायर, राइट. देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी. फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी. इसके भी कंडीशन आपको बताए हुए हैं, अगर याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं याद हो यू हैव टू फाइंड. राइट, याद है, ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी. राइट, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इफ डिफरेंस ऑफ द रूट इज फोर, फाइंड बी. आज एक अच्छे से नोट्स अपना बना लोगे एंड माइंड मैप बना लोगे जितने भी मैंने आपको आज टीच किया है वो पूरे का, राइट. माइंड मैप बना लोगे तो दैट विल बी इजियर फॉर यू, कैसे आप वर्क कर पाओगे. वेरी गुड. रूट डी बाई ए is equal to 4, root d by a, b square minus 4ac, root d by a is equal to 4, right? So easily you will get the value as 36 minus 4b square is equal to 16, sorry, 4b is equal to 16, right? 4b is equal to 20, b is equal to 5 only. Okay. Okay, everyone. Right?
तो आज के पूरे नोट्स बना लेना, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखें, किन्हीं को डाउट पूछना हो तो यू कैन आस्क।